वो वीडियो मुझे स्प्लिट करनी पड़ी थी किसी रीजन के कारण। हाँ, हम क्या देख रहे थे कि जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल के ऊपर हमारे टैक्स आ रहे हैं 5400, और जब परचेज कर रहे हैं तो टैक्स आ रहे हैं हमारे पास 6300। सो यहाँ पे अभी मुझे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट से पैसे ज्यादा लेने हैं 6300 लेने, और गवर्नमेंट को पे करना है कम 5400 का। सो जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लगभग इसमें मेरा 6 और 3900 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या, वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, 900 CGST का, 900 SGST का। सो बस यही है, और GST क्रेडिट और इसके बीच में डिफरेंस है, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नोट हो गया था ना आपका, नोट कर लो अगर वो नहीं करा तो, ठीक। इसके बाद ये वाला जो आपका GST पेबल एंड GST क्रेडिट के बीच का डिफरेंस है, ये आप नोट कर सकते हैं। जीएसटी चलान क्या होता है, जीएसटी चलान होता है मतलब जैसे आपका पेमेंट पे चलान कटता है ना, ट्रैफिक पे कटा है क्या चलान, रूल्स वगैरह तोड़े हैं आपने रोड रूल्स, सो वो चलान और इस चलान में डिफरेंस है, मतलब उससे ऐसा ज्यादा रिलेट मत करना। यहाँ पे क्या होता है, जब गवर्नमेंट को मुझे टैक्स पे करना होता है ना, तो टैक्स पे करने के लिए मुझे एक पहले ना रिसिप्ट जनरेट करनी पड़ती है, रसीद टाइप में जनरेट करनी पड़ती है, उसको मैं चलान कहता हूँ। सो मैं जब ऑनलाइन समझेंगे हम रिटर्न फाइलिंग वगैरह में, सो रिटर्न फाइलिंग में जब जाएंगे वहां पे जीएसटी रिटर्न के लिए हम टैक्स निकल के आए, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे समझ में आया कि गवर्नमेंट को अभी 9000 पे करना है, तो 9000 के लिए मैं क्या करूंगा, एक ना रिसिप्ट टाइप में जनरेट करूंगा, चलान करूंगा और फिर टैक्स पे करूंगा। सो सीधी सी बात है भाई, जब पे करना है तभी तो मैं करूंगा ना, अभी गवर्नमेंट से पैसे ही वापस लेने हैं तो चलान किस नाम का, फिर तो मुझे गवर्नमेंट को कुछ पे ही नहीं करना है तो चलान जनरेट भी नहीं करना है। तो सिंपल सा बस ये लिखा है, जब आपको पे करना है तब चलान करोगे, जब क्रेडिट बन रहा है तो वहां पे आपको चलान नहीं रिसीव करना है। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस एक बार देखते हैं। आउटपुट जीएसटी, आपको पे करना है 100, आपके पास लेना आपको 70 है, मतलब 30 का डिफरेंस अभी आप क्या करोगे, पे कर दोगे, समझ में आया। ये जनवरी में हुआ, फरवरी में नेक्स्ट मंथ में आए, आपको पे करना 140, गवर्नमेंट से लेना 150 है, तो आपको कहोगे भाई 140 ले लो, 150 लेना था तो 10 रुपए आज भी आपके गवर्नमेंट को कहोगे कि उधार रहे बाद में दे देना मुझे, ठीक है। तो मतलब ये जीएसटी क्रेडिट कितने का आ जाएगा, 10 का। क्वेश्चन 3 में अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्च में आए, जनवरी फरवरी का हो गया, मार्च की बात है, रिलेटेड क्वेश्चन है एक तरह से। आउटपुट में मेरे पास 300, इनपुट में मेरे पास 220, सो मतलब गवर्नमेंट को मुझे कितना देना है, 80 रुपीज देना है, बट 10 रुपीज तो पिछला भी लेना था ना गवर्नमेंट को, मैं भी गवर्नमेंट मुझसे कहने लगी भाई लाओ 80 रुपीज दो, कि भाई 300 आपको देने थे, 220 मुझसे लेने थे, 80 रुपीज मुझे, तो मैंने कहा नहीं 10 रुपए पिछले भी लेने थे मुझे आपसे, उसने कहा गवर्नमेंट ने हाँ, सो 10 रुपए पीछे भी लूंगा तो बाकी गवर्नमेंट को पे कितना करूंगा, 70 रुपीज। क्लियर है। जीएसटी पेबल एंड जीएसटी क्रेडिट के बीच के जो डिफरेंस है ये भी आप नोट डाउन कर ले, नोट डाउन हो गया था ना पहले का, एक बार मैं आपको रुक रुक के दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 2 पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन 3, और ये दोनों के बीच के डिफरेंसेस। ये कंपटीशन हम समझ चुके हैं, ये वाला एक बार रीड कर लेना, पढ़ लिया है हमने जीएसटी का रेट कैसे कंप्यूट करना है, समझाए ना कि सीजीएसटी एसजीएसटी में आधा आधा करके कट कर देंगे, तो वाली बात है। ये 99% वाली बात है कि भाई 99% है तो मतलब अभी क्या उसको आईजीएसटी पर सीजीएसटी तो 99% हो जाएगा, आईजीएसटी 18% हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है। तो मतलब ये पता है ना कि कोई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सीजीएसटी का रेट जो है 9% है, आपको चार्ज आईजीएसटी करना है, तो समझ में आ जाएगा कि भाई सीजीएसटी 9% एसजीएसटी मेरा 9% हो जाएगा, तो टोटल मिला के 18% का टैक्स रेट है, आईजीएसटी सिंगल रेट है तो उस पर कितना लग जाएगा, 18% का रेट लगेगा। चलिए कंपोजिशन स्कीम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, अभी क्लासेस आपने कोर्स कौन सा परचेज करा है उस पर डिपेंड करता है, जो बेसिक कोर्स होगा उसमें ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, जो एडवांस कोर्स होगा फंडामेंटल के नाम से उसमें ये वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।